हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखिए, हमारे पास एक डिस्कवर आई थी जिसमें उसकी क्लच प्लेट की शिकायत थी। क्लच प्लेट की शिकायत ये थी कि किक मारते समय किक स्लिप होती थी, और दूसरी शिकायत ये थी कि गाड़ी ओवर रेस बहुत हो रही थी, यानी इंजन हीट बहुत हो रहा था और ओवर रेस बहुत हो रही थी और पिकअप नहीं था गाड़ी में बिल्कुल, ठीक है। और वो बजाज डिस्कवर सोची थी में, आइए हम दिखाते हैं आपको वो वीडियो और उसकी क्लच प्लेट कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यहाँ पर सबसे पहले केक निकालनी है। इसकी केक उसके बाद क्लच कवर के जितने 8 नंबर के बोल्ट होते हैं क्लच कवर कवर के बोल्ट खोलने अच्छी तरीके से। बोल्टों पे आप बहुत सारा टूल ना लगाएं, उससे बोल्ट के पैल मर जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, टूल स्लिप होता है उसमें। इसीलिए टूल्स अच्छे तरीके से फिट होने वाला लगाएं। और जब क्लच कवर निकालें आप तो इसमें एक किक शाफ्ट में वाशर होती है, उसका ध्यान रखें वो कहीं गिर नहीं जाए, वो ध्यान रखना। पीली वाली हो गई ऑयल पंप की गलारी, और ये 8 नंबर के बोल्ट दिख रहे हैं आपको, 6 बोल्ट ये क्लच सेंटर के बोल्ट हैं, सेंटर प्लेट के। ये 8 नंबर के बोल्ट मिलने के बाद क्लच प्लेट बाहर आती हैं। थोड़ा मैं कैमरा आपके सामने कर रहा हूँ तो एकदम साफ लेके। ये 8 नंबर के बोल्ट खुल रहे हैं, जो खुलने के बाद ये प्लेट बाहर होंगे। सबसे इजी तरीका है इसका डिस्कवर का, क्लच प्लेट बदल लेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगता बदलने में और एकदम रिप्लेसमेंट हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बोल्ट है क्लच का, चकनट बोल्ट कहते हैं, इसकी उल्टी चूड़ियाँ होती हैं, ध्यान रखना हमेशा खोलते समय। बजाज के जितने सारे मॉडल हैं उसमें उल्टी ही चूड़ी होती हैं। ये डिस्कवर में एक वाशर होती है, क्लच हब के पीछे लगी रहती है। ये प्रेशर प्लेट होगी, क्योंकि साफ पे टंग रखी है, प्रेशर प्लेट होती हैं, लोहे की होती हैं ये, और ये ख़राब भी कम होती हैं। ये क्लच प्लेट बजाज की ओरिजिनल प्लेट हैं, 5 प्लेटें निकलती हैं, थोड़ा लाल कलर होता है इनका दिखने में, मसाला टाइप का होता है। फिटिंग करते समय एक
मसाले की प्लेट पड़ती है और एक लोहे की प्लेट पड़ती है। चार प्लेटें लोहे की होती हैं, पांच प्लेटें मसाले की होती हैं, इसलिए पहले मसाले की प्लेट पड़ती है, फिर चार प्लेट पड़ने के बाद उसके ऊपर से भी मसाले की प्लेट ही पड़ती है। क्लच प्लेट हल्की घुमानी ही पड़ती है बिठालते समय, इसलिए हल्का घुमा के बिठालें, बिठालने से घुमा के बिठालने से आसान तरीके से बैठती है क्लच प्लेट। ये 8 नंबर के बोल्ट हैं इसके सारे। बोल्ट टाइट करते समय ध्यान रखें कि आप ये जो इसके स्प्रिंग प्लेट के नीचे जो स्प्रिंग लगाए हैं इनको हमेशा प्रॉपर ही बिठा लें, तो नीचे ना बिठा लें, सही तरीके से बिठा लें जो एकदम क्लच प्रॉपर वर्क करे। ये बैरिंग क्लच वाला बैरिंग आइए इसका क्लच कर भी डालते हैं आप बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से। पैगिन पर आना बोन टाइप का लगाएं, पैगिन पर चिपकाने का कोई सा भी ट्यूब जरूर लगाएं। उसको अच्छे से बिठा लें, उसके 8 नंबर के बोल्ट हैं, 8 नंबर के बोल्ट लगाएं सारे। और अच्छे से टाइट करें बोल्टों को, बोल्ट ढीले मत छोड़ना या फिर अगर बोल्ट ढीले छोड़ते हो आप तो फिर मोबिल लीक होता है, मोबिल बहुत ज़्यादा लीक होता है क्योंकि और भी शिकायत होती हैं।
फुटरेस्ट लग गई और एक एक शाफ्ट में किक लग गई। ठीक है, इसका बॉल डेड करके बाकी गाड़ी हो गई कंप्लीट। क्लच प्लेटें लग गई, क्लच गॉवर लग गया, ट्रेस लग गई, किक लग गई और किक का 12 नंबर का ये बॉल टाइट होता है। गाड़ी हो गई कंप्लीट। इसमें बहुत ज़्यादा शिकायत थी, किक स्लिप होती थी बहुत ज़्यादा, पिकअप लो था इसमें, तब जाके हमें क्लच प्लेटें बदलनी पड़ी इस गाड़ी की। अब स्टार्ट भी बढ़िया होगी, किक स्लिप भी नहीं होगी, पिकअप भी ज़्यादा आएगा, एवरेज भी ज़्यादा आएगी। ओके फ्रेंड, वो गाड़ी ऐसी है जिसमें हमने क्लच प्लेटें डाली थी, इसकी बैटरी ख़राब हो रही है, 100 cc की गाड़ी है डिस्कवर, और इसका कंप्लीट हो रखी है ये। देखो स्टार्ट करते हैं, देखिए अब स्टार्ट स्टार्ट होती थी गाड़ी, पहले कम से कम 15 किक लगती थी, तब भी स्टार्ट नहीं होती थी, किक स्लिप होती थी बहुत ज़्यादा, क्लच पेडल इसलिए बदलनी पड़ी। ओके फ्रेंड्स, बाय।